थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 4 अंतर्राज्यीय शातिर मोबाइल लुटेरों को 12 मोबाइल, एक LG लैपटॉप, बीबी बदलने वाले उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक कैंट के निर्देशन में मोबाइल लुटेरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार के नेतृत्व में दिनांक 18 जनवरी 2019 को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पटेल नगर पुलिया के समीप समय 9:30 पर शातिर लुटेरे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। ये करने की आवश्यकता इसलिए है कि ये जो ये काम जो हो रहा है ये मेन जड़ है इसका, हाईवे चेंज करके, क्योंकि इनको पता है कि लूटने के बाद हमारी जो बाइक्स हैं, सॉरी बाइक बोल रहा हूँ, बाइक्स हैं बेचने के बाद थोड़ा पीछे हाईवे चेंज कर दो, उसके बाद सर पहले कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो ये इसको बढ़ावा देना था। इसको मैंने इस पूरे गैंग को एसपी साहब तो आ रहा है, मेरी पकड़ी जाने की भी संभावना कोई नहीं है। और ये चीज़ उस समय से हुआ है जब हम लोगों ने सर्विलांस के सिस्टम को एक मोबाइल रिकवरी से अलग क्रिएट किया है, और उससे क्या हो रहा है कि उससे लोगों के मोबाइल चल रहे हैं, इन लोगों ने सोचा कि आईएमआई के लिए उन्होंने पता किया कि पुलिस कैसे ट्रैक करती है, उनको पता है कि हम आईएमआई रन करा लेते हैं तो नया सिम उसमें जाता है, उस नया सिम डायरी लेकर के हम उसको पकड़ लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं जहाँ चल रहा होता है। इन लोगों ने ये काम शुरू कर दिया आईएमआई चेंज करने भाई चलो भानु और सलमान पुत्र सरफराज हाथ उठाओ भाई इमो फिरोज और मुन्ना। अब ये बताओ कि ये आईएमआई चेंज करने वाले कौन कौन लोग हैं? ये लैपटॉप से आईएमआई चेंज करने वाला कौन कौन है? कौन फिरोज? हाँ बताओ कहाँ पे पढ़े लिखे हो? हाँ सारी विधा कहाँ से सीखी? देख देख के मैं शुरू हो जाऊँ? देख देख के सीखी घटनाओं को लेकर के मेरे पुलिस अलर्ट है, आपको जानते हैं हम लोग इस गैंग में हमेशा काम कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में इसी क्रम में DSP श्री उदयन साहब और एमपी इंस्पेक्टर सदर इन लोगों ने मिल करके पुनः अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने बहुत ही अच्छे गैंग का पर्दाफाश किया था, आज पुनः इन लोगों ने एक बहुत ही शातिर गैंग को पकड़ा है जिसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इनके कब्जे से 12 मोबाइल और लैपटॉप के साथ कुछ और इक्विपमेंट्स और गैजेट्स बरामद हुए हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि स्नैचिंग के बाद मोबाइल तो बरामद हुई इनके कब्जे से, इसमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम फिरोज है, ये लैपटॉप की सहायता और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की सहायता से मोबाइल का जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा होता है आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है जो जिसको हम IMEI कहते हैं, और उस IMEI को ये चेंज कर देता था, और चेंज करने के बाद उस मोबाइल को पूरा ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सब जानते हैं कि मोबाइल स्नैचिंग के बाद या चोरी के बाद हमने हमारे पास एक सिस्टम था जिस सिस्टम से अगर वो मोबाइल भविष्य में कभी यूज होता है चोरी के बाद तो हम उसको ट्रेस कर लेते हैं, इसकी जानकारी अपराधियों को हो गई है। और खास करके यहाँ पे आपने देखा होगा कि SSP साहब ने हमारे यहाँ सरलान सेल में स्पेशल मोबाइल रिकवरी सेल बनाया है, जिसमें अभी हाल में ही लगभग 10-15 दिन पहले 60-70 मोबाइल हम लोगों ने लोगों को हैंड ओवर किए। तो ये जो क्रिमिनल्स हैं, जो स्नैचर्स हैं, जो चोर हैं, उनको इस बात की जानकारी थी कि कहीं ना कहीं से पुलिस मोबाइल में दोबारा यूज करने पर पहुंच जाती है, मोबाइल लोकेट करने की। तो इसको कैसे इसका काउंटर किया गया? तो इन्होंने मोबाइल IMEI चेंज करने के लिए फिरोज की सहायता ली, और फिरोज इस काम में एकदम एक तरह से पारंगत है, एक कम पढ़ा लिखा है लेकिन इसने पूरी ट्रेनिंग ली है इसकी, और ये सारे मोबाइल जो स्नैचिंग के मोबाइल आते थे उसका IMEI चेंज करके ये मार्केटिंग भेज देता था, इसको उसके बाद से पकड़ना बहुत मुश्किल कह गया। तो अब इस तरह की घटनाएं फिर रुक लगेगी, और हम लोग कोशिश में ये है कि पूर्णतः यहाँ के लोग इस पर्टिकुलर अपराध से मुक्ति।